आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। लगातार कैंपेन कर रहे हैं सर, काफ़ी दिनों से कैंपेनिंग चल रही है, किस जगह पर देख पा रहे हैं आप अपने आप को अभी? बहुत अच्छा माहौल है और आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि डेढ़ साल जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिला तो डेढ़ साल में इतना काम हुआ जितना यहाँ आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था, तो ये जनता समझी है। और पिछली बार 8,000 से जीते थे, इस बार यहाँ 80,000 से जीतेंगे हम लोग। ये देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, सारे के सारे लोग यहाँ पर कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी बड़ी जनसभाएं भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुकाबला आप कड़ा नहीं देख पा रहे हैं किसी तरह का? मुकाबला इसलिए नहीं है, उसका कारण बताता हूँ। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और आपने जिन जिन यादव का नाम लिया, ये सारे यादव उनके घर से ही यहाँ क्यों आते हैं? जब चुनाव लड़ना होता है तो ये सैफई इटावा से ही क्यों आते हैं? कोई यहाँ का भी तो यादव पूछ रहा है कि हम लोगों को कब मौका मिलेगा। आप भी पूछिएगा जब भी अखिलेश यादव आपसे मिलेंगे कि क्या अपने घर के बाहर से किसी भी यादव को सदन में जाने का मौका देंगे? आप पूछिएगा। बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन पीडीए का नारा आपने चेंज कर दिया आज अभी मंच से, परिवारवादी डकैत अलायंस रख दिया है, तो ये किस मिजाज से रखा, किस चीज़ को देखते हुए रखा? क्योंकि आप देख लीजिए भैया, गाना बंद करवा दीजिए। ऐसा है कि आप देखेंगे वहाँ जो अलायंस बना है ये परिवारवादी ही हैं, ये डकैत ही हैं, इन्होंने देश का लूटा है, देश का पैसा लूटा है, देश का समय बर्बाद किया है और अब ये सब इकट्ठा हुए हैं एक ईमानदार प्रधानमंत्री को रोकने के लिए, जो ये रोक नहीं पाएंगे। पांच चरण में क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं और आजमगढ़ भी नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। जेल बनाया अखिलेश यादव ने यहाँ, आपने ये भी मंच से कहा अभी। हाँ बिल्कुल, यहाँ जेल बनाया, विश्वविद्यालय मांग रहे थे आजमगढ़ वाले, कह रहे थे कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए, आंदोलन कर रहे थे, जेल गए, बहुत संघर्ष किए पर इनको विश्वविद्यालय नहीं दिया, क्या बनाया? जेल बनाया। जब हम लोगों को अवसर मिला डेढ़ साल तो हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, संगीत विद्यालय बनवा दिया, यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, यहाँ की सारे सड़कें बन गई, अभी यहाँ रिंग रोड बन रहा है, तो ये सब डेढ़ साल में ही कर पाए हम लोग। और ये लोग 10 विधायक हैं सपा के, ये अपने गाँव की सड़क नहीं बना पाते, वो भी हम ही बनवाए हैं। अच्छा, जेल के अखिलेश यादव को जाना पड़ेगा, आपने ये भी कहा कि अपने ही लिए बनवाया। मुझे लगता है कि जो किया है उसको भरना पड़ेगा, प्रधानमंत्री किसी को छोड़ने वाले नहीं है, इस देश में जो भी गलत किया है आज नहीं तो कल जाएगा। अच्छा, आपके ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कोई नचनिया कहता है, कोई कुछ किसी तरह की बात करता है, आप आहत होते हैं कभी? नहीं, मैं कलाकार हूँ और मैं जिस पार्टी से हूँ, आज वही मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि कलाकार जो है वो ईश्वर की वरदान होता है, ईश्वर की कृपा से बनता है, और मुझे फख्र है कि मैं कलाकार हूँ और इसी आजमगढ़ में शूटिंग करता हूँ, करोड़ों टैक्स भरता हूँ ताकि इस देश के विकास में भी काम आए। और वो लोग क्या करते हैं, वो नेतागिरी सिर्फ करते हैं, जनता को लूटते हैं, हम तो अपना परिवार अपने शूटिंग से चला लेते हैं और जनता के बीच रहते हैं, उनका काम करते हैं। उनका परिवार कैसे चलता है फिर? अब वो बताएंगे, उनसे पूछिए। अखिलेश यादव के ऊपर आपने एक टिप्पणी की थी एक बार कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो उनके इस बयान के, आपके इस बयान से काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली वहाँ पर और यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता उनमें। मैंने ऐसा कोई बयान क्या बोला था मैंने बताया? हाँ, यही कि उनकी हैसियत नहीं है कि यहाँ से जीत लें। तो आना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा कहा तो उनको आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए, पूछिए उनसे। मैं आपको सच बात बताता हूँ, 19 में अगर सपा बसपा गठबंधन नहीं रहा होता तो अखिलेश यादव जी 19 में हार गए होते, और जब 22 में हम लोग जीते उसके बाद उनको समझ भी आ गया कि अब वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तभी वो नहीं आए, फिर धर्मेंद्र जी को भेजे हैं। धर्मेंद्र जी को हारने के लिए भेजे हैं? हारने के लिए भेजे हैं जी। कितनी बड़ी जीत देख पा रहे हैं सर? मुझे लगता है इस बार हम लोग 80,000 से जीत रहे हैं। 80,000 से जीत रहे हैं, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। आप दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत यहां पर होने जा रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़।